लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आशा माथुर, मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैंने जो कुछ किया, मैं चाहती हूँ सबको पता चले, सबको। आज मुझे ना ही किसी की हमदर्दी की ज़रूरत है और ना ही प्यार की। मुझे आज किसी बात का डर नहीं और ना ही किसी की परवाह है। मैं खुश हूं। हां, मैंने इसका खून किया है, मार डाला है इसे, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। ये सबक है, सबक है उन लड़कों के लिए जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अरे क्या बोल दिया टीना, छेड़छाड़ नहीं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना। ए लाश, लाश की तरफ पड़ा रहे, नहीं तो सच में लाश बना दूंगी। तू बड़े बाप की। और इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा टीना ओबेरॉय का नाम। थैंक यू। अरे स्टॉप इट, तुम्हारा नाम आशा माथुर है, टीना नहीं। नाम में क्या रखा डायरेक्टर, परफॉर्मेंस। मेरी एक्टिंग देख के सबकी आंखों में आंसू आ गए, आप भी तो रो पड़े। वो आंसू इसलिए कि तूने मेरे नाटक का कबाड़ा कर दिया, डायलॉग गलत बोले। लुक मिस्टर डायरेक्टर, जो मैंने कहा वो डायलॉग, और जो मैंने किया वो सीन। तो मुझे काहे को बुलाया? ताकि आप कुछ सीख सके। तू बड़े बाप की टीना, जो नहीं हो रहा था वो हो गया, गजब हो गया। क्यों, अक्कल आ गई तुझे? नॉकआउट इसको देख के मालिक टॉम टॉम ने हमारा नाटक स्पॉन्सर करने से मना कर दिया। और अब हमारा नाटक नहीं होगा। अरे ऐसा नाटक करोगे तो नतीजा यही होगा, बड़े बाप की। टॉम टॉम की ये हिम्मत। आज उसके क्लब में एक्शन ड्रामा होगा। चार्ज। Oh, no! Hey!
say boom boom boom, no one about to say way oh. चार बार हमला कर चुका है शेर, बंसाराम को तो खेत में ही, पता नहीं बेचारा बचेगा या नहीं। बच्चों का तो घर से निकलना बंद हो ही गया था, अब तो मर्दों को भी औरतें खेतों में जाने से रोक रही है। और भैरव भी यहाँ नहीं है, वो होता तो कुछ कर लेता। पिछली बार जब चिते ने हमला किया तो किस बहादुर से उसने मुकाबला किया था, पता नहीं अब कलेक्टर को मिलके कब वापस आएगा। बेटे तूने रिपोर्ट तो ठीक लिखवाई है ना? रिपोर्ट तो ठीक ही लिखवाई है बापू, रेंजर को भी बता दिया है, पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा। अब तो भगवान ही बचाए। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद हिम्मत करते हैं। इस मुसीबत की घड़ी में किसी न किसी को तो हिम्मत करनी होगी।
पंजा देखा उसका, सही वक्त पे जाल फेंक दिया वरना मुश्किल हो जाती। हाँ तू बच गया बादल, बहुत खूंखार है ये। कुछ भी कहो, जानवर है बड़ा खूबसूरत। अगर आदमखोर ना होता तो उसे गांव में बांध कर रखता मैं। लो कर लो बात। वो तो किस्मत अच्छी थी इसकी जो बादल के हाथ लगा, अगर मेरे हाथों लगा होता गर्दन तोड़ देता साले की। आप कब आए? शेर की खबर पाते ही चला आया, मगर यहाँ तो तुम लोगों ने मेरे आने से पहले ही खेल खत्म कर दिया। शाबाश शाबाश, चोट वोट तो नहीं आई तुम लोगों को? अभी आई, वो भी आपकी वजह से। बाबा मैं इसे रेंजर साहब के पास छोड़ देते हैं, वो इसे चिड़ियाघर पहुंचा देंगे। वो काम हम कर लेंगे बेटा, तो शहर जाने की तैयारी कर। शहर? आगे पढ़ने के लिए शहर के कॉलेज में तेरा दाखिला हो गया बेटा, अब ये मस्ती वस्ती छोड़, अपने बाबा का सपना पूरा कर और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनकर दिखा मुझे। बाबा याद है 10 साल पहले डमरू गया था इस गांव से, जो अभी तक नहीं लौटा। अरे वो कभी कभार लिपस्टिक और पाउडर भेजता है गांव के लड़कियों के लिए, लुच्चा कहीं का। अपना बादल ऐसा नहीं है, देखना अपने गांव का नाम खूब रोशन करेगा वो। अरे आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो कि अपने ही गांव का कोई बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर या कलेक्टर बनकर यहाँ आ जाए तो कितना फायदा होगा हमें। तो है। सुना ये बात हुई ना, अरे कुएं की मेढक की तरह मत सोचो तुम लोग, कुछ नया सोचो। अरे अपना बादल जो शहर जाएगा, जब गांव में आएगा तो कुछ नई चीज लेकर आएगा। सोच लो कहीं नई मुसीबत ना ले आए, हमें तो गांव की चिंता है, हमारे गांव का नाम खराब नहीं होना चाहिए। जैसे अपने गांव का नाम रोज अखबार में छपता है। जरा शुभ-शुभ बोलो काकू, शुभ-शुभ बोलो। देखो भाई दिल में आया बोल। देखिए एक बात समझ लीजिए, यदि बादल की वजह से इस गाँव पर कोई आंच आती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ बादल होगा। क्या सोच रहे थे? बाबा जाना जरूरी है क्या? कमाल की बात करते हो बेटे तुम भी, अरे जाने की पूरी तैयारियां हो चुकी है और पूछते हो बाबा जाना जरूरी है। नहीं मैं सोच रहा था कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अकेला तो मैं तब हुआ था बेटे जब तेरी माँ मरी थी और तू इतना सा था, मगर तेरे प्यार ने मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। तेरे जाने से आज एक बार फिर मैं अकेला तो हो ही जाऊंगा, मगर आज मुझे तुम्हारी खुशी की चिंता है बेटे। बाबा खुश तो हूँ मैं, सब कुछ तो है मेरे पास, आप हैं, आपका प्यार है, यार दोस्त, ये पहाड़, ये वादियाँ, और क्या चाहिए मुझे बाबा? कुएं के मेंढक की तरह बातें मत करो बेटे, दुनिया बहुत बड़ी है। जहाँ तुम जा रहे हो वहां तुम्हें अच्छाई और बुराई बताने वाला कोई बुजुर्ग नहीं होगा। मेरी 3 बातें याद रखना बेटे, सच्चाई से कभी मुंह मोड़ना नहीं, जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं, दिल की पहली आवाज सुना, क्योंकि पहली आवाज परमात्मा की होती है, बाद में शैतान बोलता है। बहुत पुरानी कहावत है हमारे पहाड़ की। टीना की हिमाकतें बढ़ती ही जा रही हैं, आए दिन नई नई शिकायतें। पिछले हफ्ते उसने टॉम टॉम का होटल ही बंद करवा दिया, वो बेचारा घबरा कर शहर ही छोड़ गया, अब ये नया झमेला। और तो और वो कल रात गाड़ी भी अकेले चला कर आई है, अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? वो बच्ची इतनी बड़ी स्टेट की अकेली वारिस है, हमें दिन रात स्टेट के कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती। आप उसकी गवर्नर से हैं, बचपन से आपने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या परवरिश की है आपने उसकी कि बड़ी होने के बाद आज वो हमसे अपने बाप से सब कुछ छुपाने लगे? आइंदा इन बातों का ख्याल रखिए मिसेस फर्नांडिस। ऑल राइट। जाइए, जो आप लोगों का नुकसान हुआ है वो आपको मिल जाएगा। परेशान ना हो ओबेरॉय साहब, टीना अभी बच्ची है। आप तो हमारे पुराने वकील हैं गुप्ता जी, अब आप भी बताएं क्या करें। इतनी बड़ी जायदाद की देखभाल, दिन रात की भाग दौड़, ये सब किसके लिए? जो कुछ है सब टीना का ही तो है, और फिर हमारा भी इस दुनिया में टीना के सिवा कौन है? कल रात तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे डांट पड़ी, समझी? यही तो मैं पूछ रही हूँ आपको, डांटा क्यों? गलती मेरी है, डैडी आपसे सॉरी कहेंगे। लेकिन बिल्कुल कहेंगे, सॉरी हम कहेंगे, क्यों नहीं? गलतियां हमारी बेटी करती रहे और सॉरी हम कहते रहे। सॉरी मिसेस फर्नांडिस, हमें माफ कर दीजिए। वो क्या है डैडी कि मैं क्लब से जल्दी आने वाली थी, लेकिन वो बुशी है ना आपका बुशी, उसने किसी से झगड़ा कर लिया। मैंने बहुत कहा कि ये सब मत करो, मेरे डैडी को बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मेरी कौन सुनता, मैं शरीफ और वो सब बिगड़े हुए। शरीफ? कान पकड़ो,
तुमने झूठ बोला है, जरा कस के पकड़ो। सॉरी। ये सब क्या हो रहा है? हर तरफ से तुम्हारी शिकायतें आने लगी, कॉलेज से भी शुरू हो गई। बेटे, हम उस कॉलेज की ट्रस्टी, क्या जवाब देंगे लोगों को? अब तुम बड़ी हो गई हो, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो? ना ना ना, ना। अव्वल तो मैं शादी करूंगी नहीं, और अगर करनी भी पड़े तो एक बहुत ही शरीफ आदमी से शादी करूंगी, जो मेरी हर बात शराफत से माने। जब मैं कहूँ खड़े हो जा तो वो शराफत से खड़ा हो जाए, जब मैं कहूँ बैठ जा तो वो शराफत से बैठ जाए। मेरे कहने पे खाए, मेरे कहने पे पिए, मेरे कहने पे रोए, मेरे कहने पे सोए, सब शराफत से, शरीफ आदमी। क्यों डैडी? क्या हुआ डैडी? शरीफ आदमी। इसे देखो, शरीफ आदमी ढूंढता है, क्योंकि एक शरीफ आदमी की वजह से 10 बदमाशों का घर चलता है। बाप रे बाप, अच्छा हो तो सही समय पर आ गया, वरना ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। अरे कैसे नहीं आता, मैं गांव छोड़ दिया उसका मतलब ये थोड़ी कि तुम सबको भूल गया मैं। जैसे बाबा का खत मिला तू शहर आ रहा है, खुशी से फूल के कुप्पा हो गया मैं। वैसे मैं मोटा थोड़े ही हूँ। अच्छा कॉलेज में मैंने बात कर ली, हॉस्टल में तेरे रहने का इंतजाम हो गया है, तू सीधा जाके प्रिंसिपल साहब से मिल लेना। वो तो मैं मिल लूंगा, पर तू ये बता तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, मोटर गैरेज है, 10 लड़के काम करते हैं, 5 रात को चुपके से गाड़ियां खराब कर देते हैं और दूसरे 5 वही गाड़ियां सुबह में ठीक कर देते हैं, मामला फिट। तू बड़ा चालू है डमरू। डमरू? डमरू नहीं है, डमरू गांव में, यहाँ शहर में मैंने अपना नाम बदल दिया है, यहाँ मेरा नाम है डैनी। क्या? डैनी? हाँ, और ये जो तेरा नाम है ना, बादल, पेड़, पहाड़, झरना, ये शहर में नहीं चलेगा, शहर में तेरा नाम होगा बोबी। बोबी? बोबी, बोबी। ये क्या, गोभी सब्जी तरकारी का नाम लगता है, बादल ही ठीक है। ठीक है, मुझे क्या, अरे लोग हंसेंगे तो ठीक है ना। ये ले जंगल से आया है, जंगल बॉय। उसका एडमिशन कैसे हो गया यार? But how handsome he is. Handsome? अभी बनाती हूँ उसे कबूतर। हार? हम नए स्टूडेंट्स का ऐसे ही स्वागत करते हैं। सच्ची? आप लोग कितने अच्छे हैं। आप बता सकती हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ पर है? आपको प्रिंसिपल से मिलना है जी? मैं उन्हें इधर ही बुला लेती हूँ। दत्तू, ए दत्तू। कौन बुलाया मेरे को? क्या हो रहा है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सर। अच्छा, हार भी पहना है। अच्छा, प्रिंसिपल के पैर छुओ। हां, पैर छुओ, पैर छुओ, झुको झुको। व्हाट्स हैपनिंग? हु आर यू सर? आई एम अ न्यू स्टूडेंट सर। और ये हरवार सर, इसने बनाया सर। टीना, वेरी बैड, वेरी बैड। और ये कहती है ये प्रिंसिपल है। दत्तो, मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। एंड ऑल ऑफ यू गो अवे फ्रॉम हियर। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, कम ऑन क्विक, मार्च। डोंट वरी माय बॉय, होता है, फर्स्ट डे है, रैगिंग चलती है, कम विद मी। स्टूडेंट्स कुछ भी मजाक करते हैं, प्रिंसिपल बनकर सीनियर स्टूडेंट्स अपने जूनियर्स की रैगिंग करते हैं, ये भी कोई तरीका है? हाँ सर। हाँ सर? नहीं सर, नहीं सर, मेरा मतलब गलत सर। हाँ गुड, वेरी गुड माय बॉय, तुम ऐसे स्टूडेंट से बच के रहना। बिल्कुल बच के रहूंगा सर, बिल्कुल। प्रिंसिपल जी, सामने प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का ऑफिस है, मतलब मेरा ऑफिस है, तुम वहाँ जाके मेरा इंतजार करना। ठीक है सर। रास्ते में कोई सीनियर स्टूडेंट मिले उसके बहकावे मत आना, उसे प्रिंसिपल मत समझना। नहीं आऊंगा सर, बिल्कुल नहीं आऊंगा सर। टेक केयर माय बॉय। यस सर, आप बेफिक्र रहिए सर। होशियार रहना बेटे। हाँ सर, आज के बाद कोई प्रिंसिपल नहीं बनेगा सर। प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल। यहाँ कोई शक तो नहीं हुआ? कोई शक नहीं हुआ। ए मैन, वहाँ देखो, वहाँ देखो। Ha ha!
Yes. Yes. Well, I'm the principal. छोड़ना यार, तू principal? ये क्या बदतमीजी है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं principal हूँ। अच्छा ये बता, तू कितनी बार fail हुआ हाँ? Fail? What do you mean? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं principal हूँ। गंजा हो गया, इसका मतलब principal बन गया? गंजा? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? मैं अपने ही college में। अरे यार, देखो, देखो बेटे, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। ये क्या है? College. हाँ, ये बड़ा college है। बहुत बड़ा है। ये सबसे बड़ा institution है। College में क्या होता है principal? हाँ होता है। Principal का होता सबसे ऊंचा होता है। हाँ, ऊंचा होता है ना? हाँ होता है। वो मैं हूँ। वो तू नहीं है। अब acting छोड़ने तो principal college से बाहर निकाल देगा। अरे मैं principal हूँ भाई। अरे stop, security, दत्तू। अरे दत्तू तो पहले ही पकड़ा गया यार। क्या किया है उसने? प्रिंसिपल बना था। अरे यार, अरे यार, अरे यार। ओके ओके, रिलैक्स यार, रिलैक्स। चलो सुन, या तो इस कॉलेज में मैं रहूंगा या तुम रहोगे, इज दैट क्लियर? अरे मैं तो नया आया हूँ, मैं तो रहूंगा, पर तू बता तो कितने साल फेल होगा? बाहर निकल, कुछ कर, कुछ बन। अरे नॉनसेंस, बन बन बन। अरे इतने से बन ही तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। शट अप। पर टीना, माय चाइल्ड, जस्ट टेल टेल टेल, मैं कौन हूँ? आप कपूरचंद जी हैं सर। अरे कपूरचंद, नाम में क्या रखा? ये बताओ इस कॉलेज में मेरा ओहदा क्या है? प्रिंसिपल सर। आई एम द प्रिंसिपल। यस सर। सुना? यस सर। यस सर, आई एम सॉरी सर। इट्स ऑलराइट सर, प्लीज सर। इट्स ऑलराइट सर, मुझे माफ कर भाई, चले लो प्लीज सर। सर मैं एडमिशन से पहले कॉलेज से निकाल दूंगा सर। आई एम सॉरी सर। ये रकम मिला के पूरे 11 करोड़ तुम्हें दे चुका हूं ब्रो, वो भी बिना ब्याज के। नहीं नहीं, ब्याज तुमसे कौन मांग रहा है? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि टीना की सगाई जल्द से जल्द मेरे बेटे भूषी के साथ हो जाए। इतनी जल्दी भी क्या मेहरा, अभी दोनों बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं भाई। नहीं नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन भूषी की खुशी की बात कर रहा था मैं। अरे भाई, हे डैडी, हियर कम्स माय प्रिंस ऑफ वेल्स। हे अंकल। बेटे, तुम्हारी खुशी की बात कर रहा था मैं। टीना की बात? देखा कितना समझदार है मेरा बेटा। आखिर औलाद तो तुम्हारी है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। देखो बेटे। जी डैडी। टीना के पीछे साय की तरह लगे रहना। ओफो डैडी, ये भी कोई कहने की बात है? मैं कॉलेज जाता ही क्यों हूँ? ताकि टीना के साथ रह सकूं, इसीलिए तो 4 साल से फेल हो रहा हूँ। क्या बात है? After all, बॉडीगार्ड जो हूँ मैं उसका। अरे टीना, जंगल बॉय। अरे तो शॉर्टपैंट पहन के आ गया। शॉर्टपैंट में तो और भी हैंडसम लगता है। हाय काश संदीप से आंख लड़ने से पहले ये मुझे मिल गया होता। टीना देखा क्या बोलती है? टीना क्या बोलेगी, वो तो उसे देखकर खुद ही खो गई है। मैं और इसे देख के खो जाऊंगी? उस दिन भी इसका कबूतर बनाया था, आज भी इसका कबूतर बनाऊंगी। सुनो सुनो। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं नया स्टूडेंट हूँ ना, इसलिए कोई पहचानता ही नहीं। अच्छा आप लोग सब मिल गए। अच्छा मजाक किया था कल आप लोगों ने मेरे साथ। प्रिंसिपल भी परेशान थे, सब परेशान थे। अच्छा मैं चलता हूँ, हाँ फिर मिलेंगे। ओके बाय, गुड डे, गुड डे। Johnny, Jimmy, Mickey, Rocky, like to join my gang? तुम मेरे गैंग में शामिल होना चाहोगे? तुम्हारा मतलब जिम्मी, मिक्की, रॉकी, बादल? नहीं, मैं यहाँ दोस्ती करने आया हूँ, गुलामी करने नहीं। टीना को ना सुनने की आदत नहीं है। कौन है टीना जिसे ये बुरी आदत है? हाँ हाँ, मैं हूँ टीना। अच्छा तो तुम्हें ये बुरी आदत है, अच्छी आदत डालो, अपना नहीं तो इन सबका सोचो, कम से कम ये तो इंसान बन जाए। क्या बोल रहा टीना ये? टीना? ए, शट अप, शट अप यू। देखो अगर इस कॉलेज में रहना है तो मेरी मुट्ठी में रहना होगा। मुट्ठी में की सरकार, बाहों में रख लीजिए, खुशी से रह लूंगा।
लेकिन प्यार से कही। Stop it, stop it। तुम समझते क्या अपने आप को? तुम्हारे लंबे टांग, लंबे बाल, ऐसे लगता है जैसे जंगली मुर्गा पैंट शर्ट पहन के आ गया है। हंसो, हंसो अभी। तुम पे हंसते हैं। Stop it। तुम इस कॉलेज में नहीं रहोगे। क्यों? दिल में रखने का इरादा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हर खूबसूरत लड़की मुझे यही कहती है। you? कितने आदमी थे? सिर्फ एक था। एक। और तुम लोग कितने थे? बहुत सारे। बहुत सारे, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ? सरकार बहुत हैंडसम था। चड़ा, उसने टीना की बेइज्जती की है, टीना की। और जो भी टीना की बेइज्जती करेगा वो इस कॉलेज में तो क्या, इस शहर में भी नहीं रहेगा। नहीं छोड़ूंगा उसे, सबक सिखा के रहूंगा। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि मेरे हाथ से खून ना हो जाए। कहां मिलेगा वो? नहीं छोड़ूंगा। कहां मिलेगा? कौन? बादल! ये चाइनीज नाइफ है, इससे कटे तो टाका भी ना लगे। तेरा कंट्री में बैंड है ये। अच्छा है, पेंसिल छीनने के काम आएगा। कितने बेचता है? अबे तूने क्या मुझे सेल्स में समझा है? मैं तो तुझे डरा रहा था। ला मेरा चाकू वापस कर। एक सेकंड यार, धार तो देख लूं। तूने मेरे इज्जत पे हाथ डाला? अगर जान पर बात होती ना तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। रिलैक्स, इज्जत हमें जान से भी ज्यादा प्यारी है। यार मैं सच में डर गया, बहुत तेज है। अल्टीचुएलेशन बादल। ओके 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 अल्टीचुएलेशन। ओके 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 ओके, गो नाउ। सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर, जाने कब कहां मिलोगे हमसे हम सफर। ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर, जाने कब कहां मिलोगे हमसे हम सफर। कैसी दूरियां, कैसा फासला, हम यहां पे आए सुन के प्यार की सदा। अब ना तुमसे दूर होंगे हम, तुम पे दिल क्या जानिसार है, तुम पे दिल क्या जानिसार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। क्यों गुरु, आज एक भी तीर निशाने पे नहीं लग रहा है? अरे क्या निशाना लगाएगा, ये तो खुद निशाना बन गया टीना के प्यार का। क्या बकवास कर रहा है यार? बकवास कर रहा हूँ, उस दिन क्या हुआ था? छोड़ना यार, हो जाता ऐसा कभी कभी। अच्छा, लेकिन हमारे साथ तो नहीं हुआ ऐसा कभी। और उस दिन जो स्टूडियो पे हुआ वो भी हो जाता है कभी कभी। अरे यार भीड़ थी, टकरा गए, हो जाता है। भीड़ थी लेकिन सिर्फ चार लोग थे। अरे सालों से कंधा लेकर हम भी घूमते हैं लेकिन आज तक कोई टकराया नहीं, सिर्फ तमन्ना रह गई। बात का पतंगड़ बना रहे हो तुम लोग यार। अच्छा अच्छा, वो क्या था जो ग्राउंड में हुआ था? बात या पतंगड़? कौन पतंगड़? कौन सी बात? मजाक कर रही थी वो यार, डोंट बी सीरियस। कमाल है, टकराए वो, शर्माए वो और मुस्कुराए वो। तस्वीर ले तेरी। अरे भैया वो सिग्नल पे सिग्नल दे रही है और तू समझ नहीं रहा है। हाँ यार सिग्नल तो दे रही थी वो यार, कुछ ना कुछ तो होगा। नीचे उतर, नीचे। कहाँ चढ़ गया? नीचे उतर। ए, नीचे उतर, गिर जाएगा। कहीं भी चढ़ कमाल है यार, चढ़ाने वाले कहीं भी चढ़ा देते हैं। ये भी चढ़ गया। अपनी तो बात बनने वाली है यार। भाभी से बात करें? हाँ। बिना रोए बताना यार। डेनिस, रात को मेरी गाड़ी तुम्हारे गैरेज से तो ठीक निकलती है और फिर सवेरे जाकर फिर खराब क्यों हो जाती है? वो इसलिए क्योंकि गाड़ी का नहीं, तेरा टाइम खराब चल रहा है। एक काम कर, बेच दे इसे। चल 5,000 में मैं ही खरीद लेता हूँ। 5,000 में? और जीप? अरे 5,000 में ट्रक खरीदा है मैंने यार। अरे डमरू, तू इसकी गाड़ी भी खरीद रहा है? अच्छी है यार, लाख या 1.5 लाख की तो होगी। क्या भगार का 1.5 लाख? और तू चुप कर, तुझे क्या मालूम है? जब देखो तब गैरेज चला आता है। अरे तेरे को मिलने आता हूँ। ऐसे तू मिलने आएगा ना 3-4 बार तो धंधा बंद हो जाएगा मेरा। चल 500 रुपए देता हूँ तेरे। सिर्फ खुशी से दे रहा हूँ यार, अब तो मान जा। कितना टाइम लगा रहे हो? ए इडियट, निकल तुझे, शट अप कर दे मेरी। हट, चल निकल, बुलाएंगे पैसे का तेरा बाप देगा। क्या बदतमीजी है ये? रुक क्यों गए? मुझ पे हाथ नहीं चलाएंगे आप? इसलिए कि मैं आपसे 2 इंच लंबा हूँ और ये आपसे 2 फुट छोटा है। देखो देखो मेरा गुस्सा। दिखाइए दिखाइए अपना गुस्सा। आदमी का साइज देख के गुस्सा दिखाते हैं आप। बादल चुप चुप। देखिए इसे माफ कर दीजिए, गलती है। चुप। ये कैसे घटिया लोग पाल रखे हैं? घटिया काम तो आपके इस बढ़िया दोस्त ने किया है, एक छोटे से बच्चे पे। बादल शनप। बड़े लोगों से कैसे बातचीत करते हैं तुम्हें सिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ साहब, जरूर सिखाइए जरूर, लेकिन पहले आप अपने इस दोस्त को सिखाइए कि छोटे बच्चों से कैसे पेश आते हैं। छोड़िए छोड़िए बड़े साहब, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। आइए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। Well, the important thing in democracy is the freedom of expression. Good morning, sir. Hi, Tina. How are you? Silence! What are you doing here? तुम्हारे लिए. What? Thank you, sir. क्या ये? क्या ये? Bye. 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 What's this? I don't know, sir. क्या ये? पढ़ो. पढ़ो. Dear Badal. Yes, Badal, तुम्हारा नाम है. आगे पढ़ो. Dear Badal. Dear Badal. Dear Badal, आगे पढ़ो. हाँ सर, डियर बादल। बस इतना ही लिखा है? नहीं सर, और भी है। तो वो क्यों नहीं पढ़ते? डियर बादल, कई बार तुमसे दिल की बात बताने की कोशिश की, मगर पता नहीं तुम समझे भी या नहीं। खैर,
हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं, तुम जरूर आना। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और सुनना चाहती हूँ। बादल, बादल मेरी बात सुनो। बादल, 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 बादल। एक हसीन लड़की से हो गया है मुझे प्यार, दिल मेरा धड़का है आज पहली बार। Hey! Hey! एक हसीन लड़की से हो गया है मुझे प्यार, दिल मेरा धड़का पहली बार। छा गई है नजरों पे, कर गई है बेकरार, आज कर दूंगा मैं प्यार का इजहार। hey! या एक हसीन लड़की से हो गया है मुझे प्यार, दिल मेरा धड़का है आज पहली बार। छा गई है नजरों पे, कर गई है बेकरार, हर घड़ी रहता है उसका ही इंतजार। कैसे कहें हो, 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 बेचैनी हर पल तड़पाए, दूर नजर से कैसे रहे हो, 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 जब चाहे सीने से लगा ले तुम धड़कन के पास रहो, हर पल हम महसूस कर सके बन के तुम एहसास रहो। हो, 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 चाह है तुमको सौ सौ बार, चाह है तुमको सौ सौ बार, करते हैं हम भी तुमसे प्यार, अब तुम ही कहो हम कैसे जिए बिन तेरे यार। करते हैं हम भी तुमसे प्यार, हमने कब इनकार किया, हर मौत
से जिए बिन तेरे यार, बिन तेरे यार, बिन तेरे यार, बिन तेरे यार, बिन तेरे तो तुमने समझ लिया कि टीना तुमसे प्यार करती है। ये तो तुम्हारे लिए एक सबक था, मेरी बात न मानने का, मुझसे बदतमीजी करने का। मैं जब भी चाहूं किसी को भी अपनी उंगली पे नचा सकती हूं, जैसे तुम्हें अभी नचाए। 1 2 चा चा चा। और हाँ, अपना दिल किसी पहाड़न के लिए संभाल कर रखना, शहर में ना ही उछले तो अच्छा है। कम ऑन बॉयज। You're great, Tina. Yeah. क्या हालत बना दी तुमने बादल की। वाह, वेरी इंटेलिजेंट। वाह, क्या दिमाग पाया टीना। वाह, जैसी सूरत वैसा दिमाग। सुबह से बादल अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला है। अरे बेचारा कैसे मुंह दिखाएगा, मुझे तो लगता है हॉस्टल वापस भाग गया है वो। हॉस्टल तो क्या, वो जंगल ही भाग गया होगा। जंगल बॉय। टीना, टीना ये देख। बादल ने तो जान ही दे दी। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया टीना तुमने। कितना अच्छा लड़का था बेचारा बादल। टीना तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने तो ऐसा, कल रात तुमने बहुत ज्यादती की टीना। वेरी बैड टीना, वेरी बैड। वेरी एरोगेंट टीना, यू आर टू मीन टीना। तुम्हें पाप लगेगा, बहुत बुरी लड़की हो तुम। कितना प्यार करता था वो तुमसे, और तुम्हारी नफरत में उसे। मैं उसे नफरत थोड़ी करती थी, वो तो एक मजाक था। लेकिन अब क्या होगा। अब क्या होगा, अब तुम जाने या पुलिस। पुलिस, इसका मतलब टीना जेल में। जेल में फांसी भी हो सकती है। फांसी? लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उसने मेरी वजह से जान दी। वो खुद कहेगा। वो खुद कहेगा। हाँ। वो खुद कैसे। तो मरे नहीं। हाँ, मरा तो था तुम पर, लेकिन कल रात मेरे तो होश ठिकाने आ गए। मैंने सोचा जरा इन्हें भी जमीन पर उतार दें। यू मेरे दिल में भी बहुत यू होता था, तुम्हारे दिल में भी होने लगा। वेरी गुड, संभालो अपने दिल को। देख लूंगी तुम्हें। हाँ हाँ, देखती रहना, तस्वीर भेजूंगा अपनी। You, I really kill you. आजा मेरा राजा, डरने का नहीं जी, गले में डालो जी, बरकत होएगा जी। ये क्या है? है? अरे तुमने तो मुझे सांप लाने के लिए कहा था। मैं सांपों का सरदार लाया, अजगर मारने के बाद सबूत तक नहीं छोड़ता, पूरा निकल जाता है। मैंने तो उसे डराने को कहा था। अरे मरने से पहले तो डरेगा ही ना। डरना नहीं, चुम्मा लो जी। सुनो, मैंने उसे पायकरा पे रात के 10 बजे बुलाया है, जैसे वो आएगा तुम ही उस पे डाल देना। ओके, समझे। गलती की तो मैं तुम्हारे गले में डाल दूंगी। जाओ। हाँ चल चल चल। राजा बेटा, प्रोग्राम रात को करेंगे। अब देखूंगी जंगल बॉय का जंगल डांस। आजा आजा राजा, आजा आजा मेरा भाई राजा, आजा मेरा बेटा, मैं तेरा पैर पड़ता राजा। भूषी, भूषी क्या कर रहे हो? बादल के आने का वक्त हो गया। कुछ नहीं, सांप गुम हो गया। अच्छा, सांप सांप। जंगली जी, मैं जाता हूँ। Thank you.
आगे खोलो, सब देख रहे हैं। थीना, अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन सबके बीच समझा करो। तुम पीछे हटो। लेकिन सांप पीछे हटो। मुझे जरा सा जुकाम था, वरना मैं भी पानी में कूद जाता। मैं टीना के लिए जान भी दे सकता हूँ। बुशी, बुशी, क्या बुशी? कुछ कुछ पता चला? उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। अब तो सुबह होने के बाद ही कुछ पता चलेगा। टीना, ए, ए यू, बादल, सुबह हो गई, बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, और तुम हो न कुछ सोच रहे हो न कुछ कर रहे हो, बस पड़े हो। जी मुसीबत है। मुसीबत तो तुम्हारे गले पड़ी थी, उसी मुसीबत को निकालते निकालते मैं मुसीबत में पड़ गया। अच्छा शौक है सांप को गले लगाने का? सुनो, मुझे कोई शौक नहीं सांप को गले लगाने का, वो तो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। क्या? तुम्हें डराने के लिए, क्योंकि मेरी बेइज्जती सबके सामने। बदला, यानी कि हमने दुश्मन की जान बचाई। ठीक है ये सब छोड़ो, अभी सोचो करना क्या है। रात को ही निकल जाते तो अच्छा होता, अब तो भूख भी लग रही है। नाश्ता क्या मिलेगा? ये भी नाश्ता मांग रहे हैं? ताजे गोश्त की खुशबू आ गई है लगता है इन्हें भी। रात को निकलते ना तो डिनर बन गए होते इनका। रात को निकल जाते, स्टूपिड गर्ल। अरे ये तो चला। किसी को कहीं नहीं लेके जा रहा, अकेले जा रहा हूँ। अगर किसी को पीछे आना है तो चुपचाप आए। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, पता नहीं इस जंगल से कब निकलेंगे। टीना, जितनी तेज तुम्हारी जुबान चलती है ना, अगर उतनी तेज तुम्हारी टांगे चले तो जल्दी निकल जाएंगे। मुझे तुम्हारे जैसे चलना नहीं आता है, मेंढक की तरह उछल उछल के। और मुझे भी तुम्हारी तरह बत्तख की तरह चलना नहीं आता ऐसे। क्वैक 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 क्वैक। तुमने मुझे बत्तख कहा और तुमने मुझे मेंढक कहा। मैं कुछ भी कह सकती हूँ। कॉलर छोड़। नहीं छोड़ती। छोड़। नहीं छोड़ती। खोल देता है लड़की को, होल देता है। अरे काय की लड़की, चल तू, चल हट, तू हट, फट तू, फट चला तू, जा जा, फुफ फुफ तू, फुफ हर। ठीक है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं शहर की लड़की हूँ, अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। तुम जंगल में फिरते रहना जंगल बॉय। जा जा। क्वैक क्वैक। यू बहुत शेर मिलेंगे यहाँ पर, अगर शेर सामने आ गया ना तो पेड़ पर चढ़ जाना। मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। डोंट वरी, जब शेर सामने आएगा तो पेड़ पर चढ़ना भी आ जाएगा। I'll kill you! जंगली कहीं का समझ सके आपने आपको। Enough, बादल, मैं तुम्हारे स्टूपिड जोक्स में आने वाली नहीं। ज्यादा होशियारी दिखाई तो एक कराटे चॉप दूंगी, उधर ही तुम्हारा ब्लैकआउट हो जाएगा। एंड नाउ गेट लॉस्ट। (गण)
यहीं तो बैठा हूं। बादल बादल देखा, नाश्ता मांग रही थी और खाना मिल गया। तो तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे थे क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हें जंगल में अकेला छोड़ देता मैं। वो लोग आ रहे हैं। अरे आएंगे भी आएंगे, उन्हीं का तो खाना है, हम तो मेहमान हैं उनके। ये लो खा के देखो कितना टेस्टी है। वो लोग और करीब आ गए। अरे आने दो भाई आने दो, वो भी खाएंगे हम भी खाएंगे मिलकर खाएंगे। आइए। संभल के, इतनी रात गए ऐसे भयानक जंगल में तुम लोग कैसे? बाबा हम रास्ता भटक गए, लेकिन आप अकेले इस जंगल में। बेटी एक अंधे के लिए क्या जंगल और क्या शहर। वैसे मेरा एक पोता है, गांव गया हुआ है। अच्छा। तुम लोग काफी भीग गए हो, जल्दी से कपड़े बदल लो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन कपड़े यहीं कहीं हैं, देख लो। बेटी ये जो तुम्हारे साथ हैं। जी ये समझ गया बेटी समझ गया, पति का नाम नहीं लेते। पति? बहुत अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। अच्छा अब जल्दी से अपने कपड़े बदल लो और इसके भी बदल लो। इसके भी? बाबा वो मैंने इसके कपड़े उतार दिए। बहुत अच्छा किया बेटी, अब देख लो बुखार वगैरह तो नहीं है। बुखार है बाबा। तो एक काम कर बेटी, सामने खिड़की में जो पौधा है उसके पत्ते तोड़ ला।
बाबा हाँ? मैं होश आ गया बेटे, शुक्र है सारी रात जाग कर बहुत सेवा की है तुम्हारी पत्नी ने। पत्नी? बाबा मेरे कपड़े कहाँ हैं? गीले हो गए थे ना बेटे। अच्छा। उसी ने रख दिए होंगे कहीं उतार। सारे के सारे कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया। कोई बात नहीं बेटे, कंबल लपेट लो। कंबल ही तो है, वो है कहाँ? कहीं भाग तो नहीं गए मेरे कपड़े लेकर? अरे नहीं बेटे, वो तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करने मंदिर गई। मंदिर? नमस्ते जी। सॉरी फाई, मेरा मतलब मैं मंदिर पहली बार आई हूँ ना, वो क्या है कि बादल बादल बहुत अच्छा लड़का है गॉड, उसे ठीक कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसे कभी तंग नहीं करूँगी, लेकिन आप भी उसे अच्छी बुद्धि देना, बहुत परेशान करता है मुझे। सरफिरा, एरोगेंट, स्टूपिड, इडियट। सॉरी गॉड, मैं तो, मेरा मतलब पहले तो मैं उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन आप यू नो एवरीथिंग। सॉरी बादल, बादल मेरा दिल कहता है वो रास्ता ठीक है, और जब भी मेरा दिल कहता है तुम्हारे इसी दिल ने हमें तीन बार गलत रास्ता दिखा दिया, कभी पैर दुखता है कभी पेट दुखता है, मुझे लगता नहीं तुम्हारा कोई इरादा यहाँ से बाहर निकलने का। तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? अभी अभी तो हटके हैं, जरा बैठ के चलते हैं। मैं तो कहता हूँ भाग के चले तो अच्छा है, वरना दुश्मन न जाने कब क्या कर बैठे। भला उस बाबा का जिसने रात भर मेरी सेवा की, ठीक किया मुझे। ये तुम्हें किसने कहा कि बाबा ने तुम्हें ठीक किया? अरे बाबा ने खुद कहा मुझसे, मैं तो उस महापुरुष के पांव छूकर आशीर्वाद लेके निकला हूँ, क्या तुमने उनका आशीर्वाद लिया? बुढ़ा, खूसट बुढ़ा, अंधा बुढ़ा, झूठा बुढ़ा। ज्यादा बोलना नहीं, हाँ जान बचाई उन्होंने मेरी, भगवान करे मेरे दुश्मन की उम्र उन्हें लग जाए। दुश्मन की उम्र उन्हें लग जाए? अगर ये दुश्मन नहीं होती तो तुम उसी भगवान के पास होते। क्या मतलब? मैंने तुम्हारी सेवा की, मैंने तुम्हें ठीक किया, मैंने तुम्हें दवाई लगाई, मैंने तुम्हारे कपड़े बदले। यानी कि कल रात सब कुछ? हाँ हाँ, और कौन करता, एक मैं ही तो थी। और तो और, आज मैं पहली बार मंदिर जाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करके आई। झूठ, बिल्कुल झूठ। कैसा झूठ? सफेद झूठ। मैंने रंग नहीं पूछा। मैं जानता हूँ, मगर तुम्हारी बात नहीं मानता। कैसे नहीं मानते? अरे नहीं मानता। कैसे नहीं मानते? क्यों मानू? क्यों नहीं मानोगे? अरे भाई क्यों मानू? क्यों नहीं मानोगे? मुझे नहीं मानना। मानना होगा। अरे भाई नहीं मानना। मानना होगा। अजीब जबरदस्ती है, कल तक तो सांप डंडा। वो सब तो कल था, तुम झगड़े मैं झगड़ी, तुम बिगड़े मैं बिगड़ी, लेकिन आज तो प्यार करती हूँ। बात प्यार की है, प्यार से कहो ना। धत नहीं कहती। तेरी अदाओं पे मरता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तुझसे बिछड़ने से डरती हूँ, तुझसे बिछड़ने से डरती हूँ, लव तुझे लव मैं करती हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। जरा पास आ मुझे कुछ कहना है, जरा पास आ मुझे कुछ कहना है, दूर नहीं एक पल रहना है, देखो मेरे इतने करीब ना, डर लगता है ना हाथ लगाओ, मैं हूँ तेरा तू है मेरी, मुझसे भी क्या डरना, छोड़ो तुम जिद करना, जिद करना, तुझे देख के आहें भरता हूँ,
लव मैं करता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। नेवला साथ साथ हाथ में हाथ अति विचित्र। ए बादल डीना भैया कम चलना के नहीं, यही रहने का राजा तो हम चले जाएं। नहीं यार, नहीं नहीं, हम तो चिड़िया देख रहे थे। बोलो ना। हाँ, चिड़िया देख रहे थे। तो बुशी, तेरी खुशी का क्या होगा रे? बुशी को अपनी खुशी के लिए कुछ करना पड़ेगा। मॉर्निंग डैडी। मॉर्निंग। नमस्ते अंकल। अरे बेटे, तुमने क्यों तकलीफ की? नौकर है घर में बेटे। हर काम नौकरों पर थोड़ी छोड़ना चाहिए, खुद भी तो कुछ करना चाहिए। लीजिए, आज मैंने पहली बार चाय बनाई। वेरी गुड। मगर बेटे? मगर क्या अंकल, घर का काम काज सीख लूंगी तो कल मेरे ही काम आएगा ना। लीजिए। कुछ समझे अब रॉय? लड़की सियानी हो गई है। अंकल। टीना। शर्मा गई। टीना। अरे टीना टीना क्या कर रहे हो, उसके हाथ पीला करने की तैयारी करो। मेहरा, जब से टीना पिकनिक से आई है कुछ बदली बदली से नजर आ रही है। बादल, बहुत पुरानी कहावत है पहाड़ों की छोड़ यार, शहर की बोल। बोलना नहीं है, करना है। खत लिखकर बाबा को बुलाना है। अरे बाबा भी आकर क्या करेंगे? हाँ, शादी के लिए तो बहुत समय पड़ा है। हा? अभी तो प्यार का दौर चल रहा है डमरू, प्यार का दौर। मगर ये दौर कब तक चलेगा? बादल, कल तेरा जन्मदिन है। अरे क्यों उसे अपना आखिरी जन्मदिन बनाने पर तुला है? देख, तू ये बड़े लोगों को नहीं जानता, बहुत खतरनाक होते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये सब क्या है? हा? इतनी रात गई तुम यहाँ? अब जाना, दरवाजा बंद करना। टीना, तुम भी हद करती हो। क्या मजाक है ये? हैप्पी बर्थडे बादल। वो तो कल है। और कल आज रात 12 बजे से शुरू हो गया। टीना, तुम एकदम पागल हो, पागल। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो ना, क्या हुआ? नहीं, वो चंपा याद आ गई। चंपा? ये चंपा कौन है? थी एक लड़की गांव में, पास में रहती थी। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं, तुम चंपा के बारे में बोल रहे थे।
हाँ वो मेरा जन्मदिन था उस दिन, ये रात के 12 बजे थे, घुसा ही मेरे कमरे में। जैसे मैं आई हूँ? नहीं तुम तो दरवाजे से आई हो, वो तो खिड़की से आई थी। खिड़की से? लेकिन मेरे घर में खिड़की तो। खिड़की छोड़ो, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, पास आकर बैठ गई। पास? जैसे मैं बैठी हूँ? नहीं तुम तो बहुत दूर बैठी हो, वो तो एकदम पास नजदीक लग कर बैठी थी। लग के? डैडी को क्या बोलकर आई हो तुम? वो घर पर नहीं थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या क्या हुआ? चंपा। अच्छा चंपा, चंपा पास आकर बैठ गई। लग के? हाँ लग कर बैठी थी, बस देखती रही मुझे, मैं भी देखता रहा। तुम भी देखते रहे? वो क्या है ना, उसकी खूबसूरत आंखें थी और बाल भी जरा लंबे थे। खैर रात गई बात गई, छोड़ो। बात क्या हुई? कुछ भी तो नहीं, बस मुबारकबाद दी और पप्पी ले ली। पप्पी ले ली? पापी, दुष्ट, झूठे। अरे, अरे मेरी बात तो सुनो, छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वो गोद में खिलाया उसे मैंने, मेरे मास्टर की बेटी है वो। जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे बात कौन करना चाहता है। है कोई सबूत, है कोई गवाह जो तुम्हें बेकसूर साबित कर सके? हमारे कॉलेज का नाम और इज्जत मिट्टी में मिला दी इस छोकरे ने। बोलो बादल, तुम्हारी खामोशी तुम्हें कसूरवार साबित कर रही है। ये झूठ है सर, झूठ है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है सर, मैं बेकसूर हूं सर। बकवास, बहुत सुन ली तुम्हारी। जब लड़की ने शोर मचाया तमाम लड़के नीचे आ गए थे सिवाय तुम्हारे, कहां थे उस वक्त? खामोश क्यों हो, जवाब दो। जवाब होगा तो देगा ना, इसकी खामोशी इस बात का सबूत है कि कसूरवार है। सोच कह रहे प्रिंसिपल साहब, पनिश हिम। जवाब दो बादल, तुम्हारी जैकेट लड़की के पास कैसे मिली? ये तो मैं नहीं जानता सर, शायद किसी ने मेरी जैकेट। ये शर्मनाक वारदात, ये गिरी हुई हरकत, इस बात का सबूत है कि पहाड़ों और जंगलों से आयु तुम जैसे जंगली की परवरिश जरूर गरीबी की गंदगी में हुई है। एक्सक्यूज मी सर, आदमी के विचार और हरकतों का शहर या जंगल से कोई संबंध नहीं होता, और ना ही अमीरी गरीबी से कोई पास्ता। बहुत पुरानी कहावत है हमारे पहाड़ों की। खामोश हो जाओ, नहीं तो देख रहे हैं हम, देख रहे हैं इस बददिमाग की बदतमीजी, इसे फौरन कॉलेज से निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, इसे कॉलेज से निकाल देना चाहिए। सोच क्या रहे प्रिंसिपल साहब, रस्ती के ठीक इमीडिएटली। ये सब झूठ है, ये झूठ है। कल रात में बादल के साथ मैं थी। तुम्हें आखिरी मौका दिया जाता है अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए। मैं बेकसूर हूँ सर, मैं बेकसूर हूँ। अपने आप को सिर्फ बेकसूर कहने से कुछ साबित नहीं होता। बोर्ड के मेंबर्स का यह फैसला है कि कॉलेज से तुम्हें। एक्सक्यूज मी सर, बादल, बादल बेकसूर है सर, बादल बेकसूर है। टीना, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है डैडी, बादल, बादल बेकसूर है डैडी। टीना तुम प्लीज यहां से चली जाओ। जस्ट अ मिनट, तुम कैसे कह सकती हो कि ये बेकसूर है? कल रात उस घटना के वक्त मैं बादल के साथ उसके कमरे में थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ डैडी। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है मुझे बचाने के लिए सर। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आज बादल का जन्मदिन है और कल रात 12 बजे मैं उसे बधाई देने उसके कमरे में गई थी। लेकिन कल रात तो ये हॉस्टल से गायब था। हम हॉस्टल में ही थे, लेकिन जब हॉस्टल में शोर हुआ हम घबरा गए, इससे पहले कि कोई मुझे देख लेता हम पीछे के रास्ते से निकल गए। बादल मुझे घर छोड़ने आया था सर। क्या नाप शनाप पक रही हो तुम? एक दो कौड़ी के लड़के के लिए तुम अपने बाप की बेइज्जती करना चाहती हो? डैडी ये बादल की जिंदगी का सवाल है। चुप रहो टीना, बेवकूफ लड़की है ये, नादान नहीं जानती कि उसे बचाने के लिए क्या क्या कहे जा रही है। आप खुद ही सोचिए, कोई भी खानदानी लड़की आधी रात को किसी लड़के कमरे में नहीं जाएगी, चाहे वो लड़का उसका कितना ही अच्छा दोस्त ना हो, और फिर इस जंगली से इसका रिश्ता ही क्या? मैं इसे प्यार करती हूँ, इससे प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। I love him. अगर ये सच है तो बादल ने तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया?
ये भी मुझसे प्यार करता है। Well, that's it, gentlemen. प्यार कोई पाप तो नहीं? खामोश! जरूर ये सब उस भिखारी ने सिखाया होगा तुम्हें। इनफ डैडी, बादल हम जैसा अमीर ना सही, लेकिन वो एक शरीफ, ईमानदार, खुददार इंसान है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं डैडी, शादी करना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? गलत है, तुम्हारा ये सोचना ही गलत है। तुम्हारी अच्छाई बुराई, तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बच्ची नहीं हूँ डैडी, सब समझती हूँ, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ। अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हो? तुम्हारी जिंदगी? हाँ। I'm sorry, Tina. लगता है हम अपनी हद से कुछ ज्यादा ही गुजर गए। भूल गया था कि मैं तुम्हारा सौतेला बाप। डैडी। No. Don't call me daddy. क्योंकि मैं तुम्हारा डैडी नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मां का पति हूं। उसके गुजर जाने के बाद तुम्हारे रुपए पैसे तमाम जायदाद का केयर टेकर हूं, एक देखभाल करने वाला मैनेजर। तुम्हारी मां का एक सपना था, तुम्हारी शादी एक ऊंचे खानदान में हो, मगर अब खैर अच्छा हुआ, एक आध महीने की तो बात है, तुम 18 बरस की हो जाओगी। तमाम रुपया पैसा धन दौलत ये जायदाद सब तुम्हारे नाम हो जाएगी टीना। अब तुम इस काबिल भी हो गई हो, सबकी जिम्मेदारी अब खुद संभालो। गॉड ब्लेस यू बेटे। नहीं डैडी, ऐसा ना बोलिए, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। I'm sorry डैडी, I'm sorry। नहीं रो रही थी ना, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं रहा। नहीं डैडी, आप मेरे लिए सब कुछ है, आप ही को तो सब देखना है, मेरी अच्छाई, मेरी बुराई, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, ये सब आपकी जिम्मेदारी। हम जो चाहे मैं करूंगी, आप मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। अगर तुम वाकई ये सब दिल से कह रही हो तो मेरी बात गौर से सुनो, मैं अपने जीते जी तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। तुम बादल से नहीं मिलोगी डैडी। अगर उसने तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। भीमराव, ख्याल रहे किसी भी तरह की भूल ना होने पाए, बादल टीना से नहीं मिलेगा। अगर वो मिलने की कोशिश करे तो उसके हाथ पांव तोड़ दो। आज टीना पे आप कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए थे, बच्ची है। तुम नहीं समझोगी मारिया, आज टीना की आंखों में हमने वो आग देखी है जो बरसों पहले कभी उसकी माँ की आंखों में देखी थी। मैं ब्लैंक चेक पे साइन नहीं करूंगी। आखिर अपने अय्याशों पर कितना पैसा लुटाओगे तुम? हिसाब मत पूछो, मैं रईसों की तरह जीना चाहता हूँ। पैसा लुटाना रईसों की फितरत होती है, फितरत। अगर इतना ही शौक है पैसा लुटाने का तो फिर खुद कमाओ और लुटाओ। अरे जब इतनी दौलत घर में है तो खुद कमाने की क्या जरूरत है? तेरी दौलत पर मेरा भी तो हक है, साइन कर। हक की बात करते हो दिनेश, तो फिर पति के नाते तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है।
या फिर सिर्फ दौलत के लिए ही तुमने मुझसे शादी की थी? हाँ, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं अमीर बनूं, एक बड़ा आदमी बनूं, वरना एक विधवा से शादी करता, वो भी एक बच्चे की माँ से। हाँ, क्या रखा है तेरे पास? इस दौलत के अलावा क्या रखा है तेरे पास? चल साइन कर, साइन कर, साइन कर। ये दौलत टीना की है और टीना के बाप की कमाई हुई दौलत मैं अपने जीते जी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये दौलत टीना के बाप की नहीं, अब दिनेश ओबेरॉय की है। मिस ओबेरॉय, मैं भिखारी नहीं, तेरा पति हूँ। अच्छा हुआ अब मुझे मेरा कोई कल याद नहीं दिलाएगा। अब कोई मुझसे मेरी गुर्बत की बात नहीं करेगा। अब मैं अमीरों की तरह रहूंगा, मैं अमीरों की तरह जीऊंगा। ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। ख्वाब देखना छोड़ दो ओबेरॉय, तुमने अपनी बीवी का खून कर दिया और यह भी साबित हो गया कि वो एक हादसा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। शायद वो तुम्हारे इरादे पहले से भाप गई थी और उसने सब कुछ टीना के नाम लिख दिया। अब सब कुछ टीना का है। मारिया, बच्ची को ले जाओ। देखो ओबेरॉय, तुम्हारे लिए एक ही रास्ता रह गया है, एक शरीफ बाप की तरह अपनी बच्ची की परवरिश करते रहो। किसी को तुम्हारे काले इरादों पर शक नहीं होना चाहिए, यह मत भूलना। वसीयत में साफ लिखा है कि 18 साल के पहले अगर टीना की मौत हो जाए या किसी वजह से उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाए तो सारी जायदाद मंदिर के ट्रस्ट में चली जाएगी। हां, जहां तक तुम्हारी जरूरतों का सवाल है वो मैं पूरी करता रहूंगा, लेकिन टीना की शादी मेरे बेटे भूषी के साथ होनी चाहिए। आधी जायदाद तुम्हारी, आधी मेरी, काम मंजूर है? नहीं नहीं नहीं, इस दौलत पर हमारा हक है। दिनेश ओबेरॉय का प्यार बगावत सिखाता है, बगावत, बगावत। हाँ, टीना को बादल से प्यार हो गया है, प्यार, प्यार टीना को बागी बना देगा। वो हमसे सवाल करेगी, फिर हमसे हिसाब मांगेगी। दिनेश ओबेरॉय से वो लड़की हिसाब मांगेगी। बादल की चिट्ठी। क्या टीना? साहब, वो बादल ने आइंदा बादल की परछाई भी इस घर के आसपास नजर आई, गोली मार दूंगा। इमरा, कल बादल को मेहरा के गोडाउन वाले ऑफिस में लेकर आ। कह रहा था तुझसे कि बड़े लोगों के चक्कर में मत उलझ, मगर आ गया ना बुलावा। पता नहीं ओबेरॉय साहब ने हमें गोडाउन वाले ऑफिस में ही क्यों बुलाया है, घर में बुला सकते थे। बैठ के बोलना डमरू। देख वो अंदर तुझसे जो भी कहे ना, तू हमें हाँ मिलाना, समझ रहा है ना? उल्टी बात नहीं करना उनसे, हम आज ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। तूने जो पढ़ना पढ़ाना था पढ़ लिया और मैंने भी जो सीखना सिखाना था सीख लिया। सुनो, अंदर बुलाया है। हाँ।
तुम ये ठहरो। लड़के तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे मना करने के बावजूद भी तुम टीना से मिले। प्यार करने वाले किसी के मना करने पर कब रुके हैं? ये दिल तो पागल दीवाना है ओबेरॉय साहब, ये तो प्यार करेगा। ये ना कभी डरा है दुनिया से, ना कभी डरेगा। बंद करो बकवास, बैग खोलो। पूरे 7 लाख है, रकम उठाओ और टीना को भूल जाओ। ओ, तो टीना की जिंदगी से हट जाने की कीमत 7 लाख है। ठीक है, तो ये रकम मेरी हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बरकरार तुम्हारी हो गई और कम लगती है, चेक सेंड कर दूं। ये 7 लाख और 1 रुपया मैं आपको देता हूं मिस्टर ब्रॉय, आपको टीना की खातिर, टीना की आजादी की खातिर, ताकि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सके। तुम बहुत ज्यादा उछल रहे हो लड़के, शर्म आनी चाहिए आपको। 7 लाख में टीना को खरीदने की बात कर रहे हैं आप? 7 लाख क्या, 7 करोड़ क्या, मैं तो 7 जन्मों में भी उसकी एक मुस्कान न बेचूं। यू रास्कल, इस हाथ की जरूरत को समझिए मेरा साहब। अभी तो बहुत चेक साइन करने आपको, कोई ऐसा काम ना करो जिससे ये नाजुक कलाई चटक जाए। बहादुर सिंह, बस हो गया ओबेरॉय साहब, तो मैं चलूं। वो क्या कैश टीना से मिलने का वादा है और वादा मैं तोड़ता नहीं, लेकिन फिर कभी ऐसा प्रोग्राम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। सॉरी, कुछ कीजिए ओबेरॉय साहब। इस पहाड़ी की तोड़ के लिए उस पहाड़ी को बुलाना होगा। मोहब्बत कोई जुर्म नहीं होता मिस्टर ओबेरॉय। कानून किसी को मोहब्बत करने की सजा नहीं दे सकता। इसलिए तो आपको याद फरमाया कमिश्नर, कानून के दायरे में रहकर गैर कानूनी मसलों को हल कर देना ही तो एसीपी नेगी का हुनर है। क्या नोश फरमाएंगे, विस्की, वोदका, रम? मैं शराब, सिगरेट और औरत को अपने से दूर रखता हूं। हमारे काम के लिए जरूरी हो जाता है कि जिस्म तंदुरुस्त रहे और दिमाग चुस्त। मैं ठंडा दूध लूंगा शहद के साथ। नेगी साहब, वो आपके फार्म हाउस वाली जमीन जो कोर्ट केस में फंसी हुई थी, हमने छुड़ा ली। 20-25 लाख का खर्च और पॉलिटिकल प्रेशर से बात बन गई है, कागजात आप तक पहुंच जाएंगे। आप चाहते क्या है? बादल टीना की जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाए। हट गया। लाइसेंस,
ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है? क्या किया मैंने? टीना, टीना, टीना ओबेरॉय, भूल जाओ उसे। नामुमकिन, भूल जाओ इंस्पेक्टर। कुछ दर्द ऐसे भी हैं जिनसे तुम वाकिफ नहीं, ऐसे दर्द जिससे टीना की तो क्या हूं, इंसान को खुद अपनी पहचान तक भुला देते हैं। अब तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूं इंस्पेक्टर, जानना चाहता हूं क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। उतर गया ना मोहब्बत का नशा, है कोई हसरत बाकी? टीना, न जाने उस हरामजादी टीना ने। नहीं, बहुत पुरानी कहावत है हमारे पहाड़ों की, प्यार में खुद पे बर्थियां चले तो कोई गम नहीं, मगर प्यार को कोई गाली दे तो उसका टेट पर निकाल के जंगली कुत्तों को डाल दो। बादल, 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 बादल। अभी जिंदा है, दोबारा दिखा मर जाएगा। मुझे अभी पता चला। चली जाओ तुम। मैं बादल से मिला। हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ यहाँ से। पर वो किस? जिंदा है वो, अभी जिंदा है, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें यहां देख लिया ना, मर जाएगा। क्या? हाँ, यही कहकर गया वो शैतान नेगी। टीना, तुम्हारी मोहब्बत मौत है उसकी, बर्बादी है। डमरू, तुम तो जानते हो। जानता हूं, मैं बहुत प्यार करती हूं तुम उसे, मगर उससे होगा क्या? मारा जाएगा वो गरीब। यही चाहती हो तुम? जान लेना चाहती हो उसकी? वो पहाड़ी है टीना, उसका प्यार पहाड़ की तरह अटल है, वो नहीं समझेगा। भगवान के लिए तुम समझो टीना, अगर तुम उसे चाहती हो, जिंदगी चाहती हो, उसकी खुशी चाहती हो, तो चली जाओ यहां से, चली जाओ, भूल जाओ उसे, भूल जाओ। तुम बादल से फिर मिलने के लिए गई थी? जी, मैं वादा करती हूँ, मैं बादल से फिर कभी नहीं मिलूंगी। एक बात और, अगर आज के बाद बादल का एक कतरा खून भी बहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बादल का फोन है मेम साहब।
लगे है तो रॉन्ग नंबर है जी। हेलो हेलो देखिए इज इट 620 समझ में नहीं आता रॉन्ग नंबर कैसे। नंबर राइट है मगर वो लड़की रॉन्ग है। बादल समझता क्यों नहीं। अरे वो तुझसे मिलना ही नहीं चाहती। इतने दिनों से बिस्तर पे पड़ा था इतनी खबर भिजवाई आई मिलने तुझसे। अरे इन शहर की लड़कियों की आदत ही छेड़छाड़ करने की होती है। मत ध्यान दे उस पे, भूल जा उसे। देख बादल अब तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, सिर्फ पढ़ाई पे। बादल टीना बात क्या है टीना? मुझे जाने दो बादल। बात क्या है? कुछ नहीं, मुझे जाने दो। कुछ तो है जो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे जाने दो बादल। जाने दूंगा तुम्हें, हाँ जाने दूंगा, और खुद भी चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से। सब सब देख रहे हैं। I'm sorry, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मेरा कसूर क्या है। क्या हुआ टीना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं टीना से बात करना चाहता हूँ। टीना तुम जैसों से बात नहीं करना चाहती, ये मैं इसकी जबान से सुनना चाहूंगा। एक्सक्यूज मी, यस मिस्टर ओबेरॉय, एनी ट्रबल? ये लोफर हमारी बच्ची को छेड़ रहा है। क्यों मिस्टर? कहो टीना, ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और यहां क्या कर रहा हूं। कह दो मैं आवारा हूं, मवाली हूं, तुम्हें छेड़ रहा था। कह दो कि तुम मुझे प्यार नहीं करती, मुझे जानती तक नहीं। हाँ मैं तुम्हें नहीं जानती, नहीं जानती तुम्हें, और ना ही तुमसे कभी प्यार किया है। तुम हो ही कौन, क्या हैसियत है तुम्हारी? चले जाओ मेरी जिंदगी से, चले जाओ, चले जाओ, प्लीज चले जाओ। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा। अगर उस छोकरे में जरा भी शर्म बाकी होगी तो सीधा पहाड़ की तरफ रुख करेगा, लौट कर नहीं आएगा। तो फिर भूषी की खुशी की बात करें हैं? बादल कमाल है, सोच भी मेरे बारे में रही हो और मुझे देखकर हैरान भी हो रही हो। मैं क्या समझा तुमने टीना? हाँ चार लोगों के सामने नाटक किया, उसे सच मानकर मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा? प्यार किया है टीना, प्यार जो तुमने कहा वो सबने सुना, लेकिन जो तुम कहना चाहती थी वो सिर्फ मैं समझा। किस बात कर रहे हो टीना? हाँ नहीं टीना, ये प्यार नहीं। प्यार में तो सुख दुख बांटा करते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मुझे बताना होगा। मैं क्या करूं बादल, मैं क्या करूं? मेरे डैडी नहीं चाहते कि हम मिले। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हम मिले तो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए बादल। मुझे भूल जाओ, मुझे भूलना होगा बादल, मुझे भूल जाओ। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से
से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, ओ 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 मेरी जान चली जाए। अगर मुझ पे यकीन ना हो, मुझे तुम आजमा लेना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहाँ चाहे बुला लेना, तोड़ूंगा ना ये वादे वफा, आशिक हूँ दीवाना हूँ कोई क्या मुझको समझाए, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, ओ 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 मेरी जान चली जाए। अगर यही रवैया रहा
तो तेरी जान ही लेंगे बच्चे। डैडी बादल तू यहाँ है, जा भाग जा, भाग जा ऐसे कहीं भी भाग जा बादल, वो शैतान नेगी तुझे हर जगह ढूंढ रहा है। जानता हूँ, मुझे भी उसी का इंतजार है। अरे बा यही पे रुक। समझ गया, पहाड़ी कपड़ों में देखते ही समझ गया कि ये अपनी जान पर आ गया है। नेगी अब तू समझ जा भैया। मैंने कहा था दोबारा दिखे तुम मर जाओगे। देर किस बात की है, पिस्तौल आपके पास है, सीना सामने। उठाओ पिस्तौल और चलाओ गोली। सीने पे गोली चलाने की आदत चली गई है तो पीठ पे चलाओ, उसमें तो काफी माहिर हैं आप। वादा रहा, जब भी मैं गोली चलाऊंगा तुम्हारे सीने पर चलाऊंगा, और वो भी दाहिनी तरफ, ताकि तुम तड़प तड़प कर मर सको। ऐसी गलती मत करना नेगी साहब, अगर दाएं बाएं के चक्कर में निशाना चूक गया तो मैं आपको तड़पने का मौका भी नहीं दूंगा। अरेस्टिव। किस जुर्म में सर? एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने के जुर्म में। गिरफ्तार कर लो इसे। राइट सर। बादल, बादल बाबा, बादल बादल बेटे, बादल बेटे, ये सब क्या हो गया बेटे? डमरू का खत मिला तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मगर तुम ठीक तो हो ना बेटे? क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या इसीलिए तुझे शहर भेजा था मैंने? कितना विश्वास था गांव वालों का तुम पर, कितनी उम्मीद थी मेरी तुमसे, और तुम। बाबा मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आपको बहुत ठेस पहुंची, दुख हुआ, लेकिन बाबा ये सच है कि मैं टीना से प्यार करता हूं, लेकिन आपने तो कहा था कि सच से कभी मुंह मोड़ना नहीं। अगर मैं उसका साथ ना दूं तो वो लोग उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और कर देंगे बाबा, और ये जुल्म होगा उस पर, जुल्म होगा। बाबा आपने तो कहा था कि जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं। मेरे दिल की पहली और आखिरी आवाज यही है कि मुझे उसका साथ देना चाहिए बाबा। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है तो मुझे माफ कर दीजिए। जो प्यार करते हैं वो सर झुका कर नहीं, सर उठाकर बात करते हैं। अरे तुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है बादल बेटे, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो प्यार को नहीं समझते और प्यार करने वालों पर जुल्म करते। अरे मुझे तुम पर फख्र है, फख्र है। अरे कितने माई के लाल होंगे तुम जैसे इस धरती पर, जो प्यार की खातिर मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। चिंता मत कर बादल, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारी बेटी की दौलत हड़पने की साजिश करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बस करो बस, हम गरीब सही मक्कार नहीं है, हमारे बाजुओं में इतनी ताकत है कि हम पहाड़ खोदकर पानी निकाल सकते हैं और धरती चीर कर अन्न पैदा कर सकते हैं। अगर कुदरत मेहरबान रही तो किसी के आगे हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं और किसी का हक छीनने की भी जरूरत नहीं। और आप, देखिए सर जी, मैं आपसे सिर्फ दिल के बदले दिल और प्यार के बदले प्यार मांगने आया हूं। मैं एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, दो प्यार करने वालों को जुदा ना करें। अगर अब तुम्हारे बेटे ने टीना से मिलने की कोशिश भी की तो हम उसे गोली मार देंगे। ये ना भूलिए साहेब जी, बेटे के सामने उसका ये बाप भी खड़ा है,
और कोई गोली ऐसी बनी ही नहीं जो इस सीने को भेद कर मेरे बेटे को छू भी सके। गुर्रा मत, हमारे सामने जो गुर्राते हैं हम उनकी खाल उधवा कर उसमें भूसा भरवा देते हैं। अरे इस पुतले से हमें क्या डराते हो साहिब जी, अरे हमारा तो रहना ही इन्हीं के साथ है, यूं समझो कि घर आना जाना है। और हां ये शेर गुर्राता नहीं दहाड़ता है, और जब शेर दहाड़ता है ना तो बड़े बड़े सुरमाओं की पतलून गीली होती देखी है हमने। जिस बेटे की खातिर तुमने हमसे बदजबानी की है पहाड़ी, उसी बेटे की लाश की शिनाख्त के लिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ते हैं, और उसके बाद हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि लोग कुत्ते को भुलाकर तुम्हारी मौत की मिसाल दिया करेंगे। बहुत पुरानी कहावत है हमारे पहाड़ों की, प्यार जब बगावत पर उतर आता है तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती, न इंसान की न कुदरत की, तो फिर क्या हम और क्या तुम। साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह उस लड़की की मौत चाहिए मौत। सही कह रहे हो ब्रो, यही एक तरीका रह गया है लड़के की मौत। कीमत बोलिए नेगी साहब। 1 करोड़। क्या एक मामूली से लड़के को मारने की कीमत 1 करोड़? लड़का मामूली है, 10 करोड़ों का है। तो क्या हुआ, जान तो कोई भी ले सकता है मगर नेगी की पिस्तौल से निकली हुई गोली पे कानून की मोहर होती है। और हां, अब अगर लड़का और लड़की को कोई नुकसान पहुंचा तो किसका दरवाजा खटखटाना है ऐसी भी नेगी को अच्छी तरह मालूम है। Bloody hell, this is blackmail. ये भी मेरा धंधा है। Good night, gentlemen. हमें मंजूर है। Stop it! मुझे तुम लोगों पर अब कोई भरोसा Tina, नहीं है। मेरा यकीन। Get out from here. I hate you. Enough, Tina, enough. बादल की जान खतरे में है। क्या? हाँ, आज रात नेगी बादल को पुलिस लॉकअप से कहीं बाहर ले जाकर शूट करने वाला है। ये तुम क्या कह रहे हो बुशी? हाँ, सच कह रहा हूँ टीना। डैड ने मुझे बताया है, वो लोग बादल को मारकर तुम्हारी और मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी बादल के साथ हो जाए, यही ठीक रहेगा टीना। जाके तुम बादल के पिताजी को ये खबर बता दो और उसे बचा लो। जाओ इससे पहले कि घाट आ जाए। Come on, go, go. जिंदगी लेना और जिंदगी देना ईश्वर के हाथ में होता है। हाँ? कोई किसी की जान नहीं ले सकता इस तरह। अरे तुमने हमें बता दिया है, हम सब मिलकर मदद करेंगे उसकी। आओ चलो देखें। मेरे पीछे आए, मुझे लेकर जाएंगे अपने साथ। बाबा, डमरू, तुम टीना को लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। मैं निपटता हूं। जय भवानी। चलो जल्दी। डमरू क्या हुआ? इसको भी इसी वक्त बंद हो रहा था। कोई गोली नहीं चलाएगा।
हमें क्या जरूरत थी मेहरा अपने उस नालायक बेटे को सब कुछ बताने की? लेकिन मैंने जो कुछ किया भूसी की खुशी के लिए किया है। क्या तेरा भूसी और उसकी खुशी? ऐसे मत कहो। देख याद रखना, अगर लड़की हाथ से निकल गई ना तो तेरा एक पैसा नहीं लौटाऊंगा और साथ ही सारी जिंदगी तेरा जीना हराम कर दूंगा। तुम तो ऐसे बात करो जैसे मैं परेशान नहीं हूँ, नाइट सूट में उठ के चला आया हूँ। अरे वो लड़का तेज तरार निकला और तुम्हारे दूध पीता पुलिस अफसर। कुछ पता चला? अच्छा किया, अच्छा केस दिया आपने मुझे। पहली बार किसी ने मेरा पसीना निकाला। पसीना निकलना सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे साहब, हमारी यह जान पे बनी आप पसीने की बातें की जा रहे हैं। चालाक जानवर के शिकार का अपना ही मजा है। इट्स अ डिफरेंट थ्रिल, जैसे चीते का शिकार। मगर वो बेवकूफ ये नहीं समझता है, जितना वो नेगी को तरस आएगा उतना ही नेगी उसे तड़पाएगा। बाबा मैं डमरू बोल रहा हूँ। अरे डमरू, इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? बाबा मैं पुलिस से बचता बचाता आपको फोन कर रहा हूँ। बादल और टीना कहाँ है? वो दोनों ठीक है बाबा, मैंने रात ही उन्हें सूरजगढ़ जाने वाली मालगाड़ी में चढ़ा दिया है। अब वो किसी के हाथ में आएंगे बाबा, पुलिस भी उन्हें नहीं पकड़ पाएगी। अच्छा किया तूने। देख देख यहाँ पर खतरा है, चारों तरफ पुलिस फैली हुई है, तो गांव की तरफ निकल, मैं भी वहां पहुंचता हूं। सर हमने बहुत अच्छा किया, जो भैरव को अरेस्ट नहीं किया, सिर्फ उसके गैरेज का फोन टैप किया। मिस्टर ओबेरॉय, सर अब तक तो गाड़ी बिछोड़ा घाट पार कर चुकी होगी। हमें फौरन सुंदर नगर पुलिस स्टेशन इत्तला कर देनी चाहिए, वो वहीं अरेस्ट हो जाएंगे सर। और इंस्पेक्टर चौहान, तुमने 8 दिन की छुट्टी मांगी थी ना? जी सर। तुम्हारी छुट्टी आज से शुरू हो रही है, यू मे गो। लेकिन सर हमेशा की छुट्टी तो नहीं चाहिए तुम्हें? नो सर। प्रोसीड। राइट सर। नेगी साहब, आपका इरादा क्या है? ऐसे मिशन के लिए ईमानदार पुलिस के नहीं शातिर मुजरमों की जरूरत होती है, और मेरे पास ऐसे मुजरमों की एक टोली है जो हमेशा मेरे लिए काम करती है। आपको लड़की मिल जाएगी मिस्टर ओबेरॉय। नेगी, अब मुझे लड़की की कोई जरूरत नहीं, कल उसके 18 साल पूरे हो जाएंगे। दोनों को ऐसी मौत तो लगे जैसे दुर्घटना हुई है। लड़की के साथ क्या करना है वो आप सोचिए, मगर लड़के को कब और कैसी मौत देनी है मैंने सोच रखा है। गेड़ा दे दे नी मुटियारे लम्मी बा करके नाले हूं करके नाले हा करके डा 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 लम्मी बा करके। ये लगता है कोई स्टेशन आ गया। गाड़ी धीरे कर दे। टीना तुम अंदर जाओ। गाड़ी मत रुकी सरदार जी, गाड़ी मत रुकी। सरदार जी मैं चोर नहीं, सरदार जी मैं सिर्फ एक लड़की है, मैं दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और ये पुलिस नहीं गुंडे हैं, हमारी जान के पीछे पड़े। सरदार जी गाड़ी मत रुकी प्लीज। लड़की कहाँ? पीछे है। गाड़ी भगाइए सरदार जी प्लीज, हमें बचा लीजिए। बाबूजी ये पुलिस का मामला है। आज जो बप टू रिया, मेरा तजुर्बा कहता है ये इश्क का मामला है। तू फिकर ना करो बच्चिया, गाड़ी नहीं रुकेगी, भगा गाड़ी को। बोलना तो नहीं हो।
कहां से कहां ले आया टीना तुम्हें, और ना जाने कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ। ओए चुप कर, ये सनी देओल की एक्टिंग छोड़ो और जल्दी से मुझे खुश करने का सोचो। आज मेरा जन्मदिन है, अब उम्र मत पूछना, लड़की की उम्र पूछना बुरी बात है, बैड मैनर्स यू नो। हैप्पी बर्थडे टीना। बस तोहफा नहीं दोगे? तोहफा 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 तो है, है? मगर सोचता हूँ शायद तुम्हें बुरा लग जाए। ना भी लगे तो दे दूँ। हाँ क्यों खड़े बादल? नमस्ते को नमस्ते। नमस्ते। बस बस गाड़ी रोकिए साहब। यहाँ से कड़म्बा लोगों का इलाका शुरू होता है साहब, बहुत ही खतरनाक लोग हैं ये। अगर लड़का लड़की इस तरफ गए हैं तो अब तक मारे गए होंगे। चलिए साहब हम लोग वापस चलते हैं। नहीं, हमें उनकी मौत का सबूत चाहिए, आगे चलो। बादल है?
अब कितना अच्छा लग रहा है तुम चुप बैठी हो, हाँ घोड़े भी अच्छे भाग रहे हैं। अब पीछे कूदने की क्या जरूरत है टीना, हाँ बादल ये कोई टाइम है रोमांस करने का? जार की पड़ी है तुम्हें मजाक सोच रहा है? मेरी इज्जत की तो सोचो, इज्जत की छोड़ अपनी जान की सोचो, जल्दी करो। समय हाउ डू यू डू कहते हैं। हाउ डू डू टीना, लड़के का हाथ से निकल जाना भला इसमें नेगी साहब का क्या कसूर? दरअसल लड़का कुछ ज्यादा ही तेज निकला। अजी उसे तो शहर में ही धर लेना चाहिए था। अब इन पहाड़ों में घुसे पहाड़ी को कौन ढूंढ पाएगा? ये तो गड़े उसका। बहुत बजा फरमाया आपने मेहरा साहब, हमें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। नेगी साहब ने तो अपनी पूरी कोशिश कर ही ली है। It's not over yet. नेगी की कोशिश खत्म नहीं हुई अभी। मेरे गले पर हाथ डाला था उस हरामजादे ने, मेरे गले पर। अगर वो पहाड़ी है तो मैं भी पहाड़ी हूं, खोद निकालूंगा उसे इन पहाड़ों से। मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, नीचे नीचे क्या? चलो ऐसा नहीं चलता। ऐसे वैसे क्या? बादल मेरी ब्लाउज बहुत टाइट है, कुछ करो ना। टीना तुम्हारा ब्लाउज टाइट है तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलो किसी और की दिलवाओ। टीना तुम मुझे इस गांव से बाहर निकाल कर रहोगी। कितना अच्छा मौसम है, क्यों ना हमेशा की तरह इधर भी हम एक प्यार भरा गाना गाएं। नहीं टीना, सब देख रहे हैं। टीना यहाँ ऐसा नहीं चलता। क्या नहीं चलता? तुमने तो कहा था तुम गांव के किशन कन्हैया हो। क्या लड़कियाँ गोपियाँ बनके तुम्हारे इर्द गिर्द नाचती हैं। मैंने ऐसा कब कहा था? तुमने तुम तो मुझे मरवा के रहोगी। चलो यहाँ से। टीना तुम हद कर रही हो। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम वो बादल नहीं रहे, तुम
मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं नहीं टीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टीना, नहीं, प्लीज। नहीं करते। अरे करता हूँ ना, एक बार फिर कहो। टीना मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ टीना। बादल। छी, हमारे गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्यों झूठ बोलते हो काका, गांव की आबादी क्या ऐसे ही बढ़ रही है? इसको क्या बात कर रहे? ये क्या हो गया मुखिया जी? माझलपुर गांव में मुझे पता चला कि यहाँ किसी ने चुम्मी ले ली। माझलपुर गांव में ढिंडोरा पीटा जा रहा है चुम्मी का, कुछ करना चाहिए। अरे मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, आइंदा पूछ के ले लेंगे। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आखिर मैंने किया क्या है? एक छोटी सी चुम्मी ली है ना, चुम्मा तो नहीं लिया। चुम्मा? ये चुम्मा क्या होता है? चुम्मा बेटी चुम्मा। अरे मुखिया ये चुम्मा क्या होता है? अबे तू बताना डबरू, तू तो शहर में रहता है। वो जो गांव में लेते हैं वो चुम्मी होती है, और जो शहर में लेते हैं वो चुम्मा होता है। अरे ये भी कोई बात नहीं, गांव की बदनामी होगी। एक मिनट, आपको लगता है कि मैंने चुम्मी ली तो गलत किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है तो मैं चुम्मी वापस ले लेती हूँ। देखा मुखिया, इन्हें अलग करना चाहिए। देखो परसों शुभ दिन है, उस दिन इनकी मंगनी करेंगे, तब तक दोनों अलग अलग, एक इस पार एक उस पार। हाँ करो, अलग करो।
जान से जाएंगे, बिछड़ के दिल बरसे नहीं रह पाएंगे। आठों पहर अब जाने समय सोच समझ कर और सबको मिलकर फैसला करना है। देखो भैया मुखिया, अगर हम फैसला करने जाएंगे तो पूरा गांव मुसीबत में आ जाएगा। लड़की को भगा के लाया है और लड़की का बाप पुलिस को लेकर आया है। हमें दोनों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। दोनों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। काकू, टीना का वो अमीर बाप और वो पुलिस वाला आपस में मिले हुए हैं। अगर बादल को उनके हवाले कर दिया ना तो मार डालेंगे उसे वो। और भाइयों, बादल का कोई कसूर नहीं है। टीना को भगा कर नहीं लाया, वो अपनी मर्जी से आई है वो उसके साथ। और दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अब मुसीबत में वो हमारे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे तो क्या करें, उनके कारण पूरे गांव को आग में झोंक दें? तो उन्हें आग में झोंक दें। बादल हमारा बच्चा है, देखिए हमें हर हाल में उनकी मदद करनी चाहिए। सरकार, पुलिस का मुकाबला करना कोई आसान काम है क्या? अरे लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिया। तेरा क्या है रे मौलू, न बीवी न बच्चे, न आगे न पीछे। उनसे जाके पूछ जिनके बाल बच्चे हैं। तू एक की सोचता है, हमें पूरे गांव के बारे में सोचना पड़ता है। जो किसी एक के लिए कुछ नहीं कर सकता वो पूरे गांव की क्या सोचेगा? वो गांव जो किसी एक को नहीं बचा सकता, ऐसे गांव का होना ना होना बराबर है। ए मौला राम, तू गांव को गांव कर दे। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। मेरा ये फैसला है कि
टीना को उसके बाप के हवाले कर देना चाहिए और बादल को पुलिस के। क्या कह रहे हो भैरव तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ मौला राम, मैं इस गांव को किसी भी कीमत पर उजड़ते हुए नहीं देख सकता। रही बात बादल की तो माँ भवानी की कसम, एक बाप अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। चलो टीना यहाँ से चले। लेकिन कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे टीना, कहीं भी, अंधेरे में खो जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। अगर हम चले गए वो तो इन्हें मार देगा बादल। तो क्या कर सकते हैं हम? हाँ क्या कर सकते हैं? क्या हमने कोई पाप किया है, कोई चोरी की है, क्या प्यार करना कोई गुनाह है, क्या हमारी खुशी पर हमारा कोई हक नहीं, क्या वो किसके बाप की जागीर है? फिर क्यों क्यों हो रहा है बरसात, क्यों क्यों हो रहा है ये? टीना मैं मानता हूं अगर हम चले गए तो ये मर जाएंगे, लेकिन टीना सच तो ये है अगर हम मिलकर लड़े तब भी ये मर जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। टीना मैं अपने गांव की तबाही का जिम्मेदार नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सिर्फ एक ही रास्ता है टीना, एक ही रास्ता। बादल तुम अपने बाप के पास चले जाओ टीना। बादल मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा, हम साथ नहीं जी सकते टीना, नहीं जी सकते। अगर हम साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते हैं बादल, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मुझे अपने से जुदा मत करो, मरने के बाद तो हमें कोई जुदा नहीं कर सकता ना बादल, कोई जुदा नहीं कर सकता ना बादल। I love you। ये जहर पहले मैं पीऊंगी बादल। नहीं टीना। कुछ मत कहो। मुझे देखते रहो बादल, मुझे देखते रहो, मैं तुम्हारा ये चेहरा अपनी आंखों में लेकर मरना चाहती। I love you बादल, I love you, I love you। आज ही रात को मुझे हिंदुस्तान की सरहद पार करनी होगी, और हाँ कैश की जगह मैंने हीरे मांगे थे। हाँ हाँ आप जैसे हीरे को हीरे ही मिलेंगे, ये लीजिए 2 करोड़ के हैं। बादल कहाँ है डैडी? काफी परेशान थे हम तुम्हारे लिए, बहुत ढूंढ हमने तुम्हें बेटे। बादल कहाँ है डैडी? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ टीना। और बादल कहाँ है डैडी? मैं पूछती हूँ बादल कहाँ है डैडी, बताइए ना डैडी, बादल कहाँ है, बादल कहाँ है डैडी? स्टॉप इट, बहुत हो चुका। जिस बेगैरत के लिए तुम अपनी जान देने पर तुली हो, उस कमीने ने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें हमारे हवाले किया है। नहीं। सौदा किया है हमारे साथ। उसने तुम्हें जहर नहीं, बेहोशी की दवा पिलाई थी ताकि वो तुम्हें हमारे हवाले कर सके। बादल ऐसा नहीं कर सकता, बादल ऐसा नहीं कर सकता, ये झूठ है, आप लोग उसे। चिल्लाओ मत, वो जिंदा है, गेट दैट बास्टर्ड। बादल क्या ये सच है कि तुमने मुझे इनके हवाले किया? ऐसा क्यों किया बादल, ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारे साथ मरने तक को, और तुम धोखा दिया तुमने मुझे। क्या हक था तुम्हें, क्या हक था? ये प्यार धोखा है, धोखा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। तुम्हें मारा तो नहीं बादल, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मुझे मरना है, मुझे मर जाने दो। नहीं टीना, तुम्हें मेरी कसम, जान देने के बारे में कभी मत सोचना। खुदकुशी पूछ ली है टीना, मौत समस्या का हल नहीं, तुम्हें तो जीना होगा। मैं तुम्हारी खुशियां चाहता हूं, जिंदगी चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले से तुम्हें काफी चोट पहुंची है, मगर टीना वक्त हर
बरसा को मार देता है और हो सकता है कि और बादल ने ये सिर्फ इसलिए किया है ताकि इस गांव को हम सब को वो बचा सके। सुन लिया आप लोगों ने, अब आराम से जाकर अपने अपने घरों में निश्चिंत होकर सो जाइए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब जब बादल की कुर्बानी का जिक्र होगा तब तब इस गांव की नामर्दी को भी दोहराया जाएगा। मतलब साफ है काकू कि चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। ये कह रहे हैं कि बीवी और बच्चों की आड़ में अपनी कमजोरी और बुजदिली को छिपाना बंद करो और मर्दों की तरह सामने आओ, नहीं तो ये निकल पड़ेंगी अपने बच्चे को और इस गांव की इज्जत बचाने। अरे हमने कब इनकार किया था, हम इसी बात पर सोच रहे थे। अरे चूड़ियां क्या फेंक रही हो, कुल्हाड़ी फेंको, भाले फेंको, तीर कमान फेंको, हथियार फेंको, चलो। सर, स्टेट पुलिस बीएसएफ के साथ मिलकर, हम जानते हैं कि स्टेट पुलिस बीएसएफ के साथ मिलकर हमारे करीब आने की कोशिश कर रही है। सर, ईमानदार पुलिस अफसरों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। सर, इन देशभक्तों को खरीदना तो बहुत मुश्किल है। सर, यहाँ तक कि सरकार ने भी छानबीन के कड़े आदेश जारी कर दिए, हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। सर, शट अप। सर, क्या हाल है इसका? पता नहीं किस मिट्टी का बना सर, इतना मारने के बावजूद उफ तक नहीं करता। उफ भी करेगा, तड़पेगा, कराएगा और रोएगा भी, ये जब इसे पता चलेगा कि इसकी कुर्बानी बेकार और बेमानी थी। ये नादान इतना भी नहीं जानता है कि इसने खुद अपने हाथों से टीना को मौत के हवाले कर दिया। टीना का सौतेला बाप दिनेश ओबेरॉय जायदाद की खातिर अपनी बीबी का खून कर चुका है और अब वो टीना को भी जान से मार देना चाहता है। हो सकता है अब तक शायद तो उसने उसकी जान ले भी ली हो। मैं चाहूं तो तेरा टेंटुआ निकाल कर जंगली कुत्तों को खिला सकता हूं अभी और इसी वक्त, मगर नहीं, जिस लड़की के लिए तूने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला था, पहले तू उसकी मौत की खबर सुनेगा, उसके बाद उसकी लाश देखेगा, तब मैं तुझे इन पहाड़ों में जिंदा दफना दूंगा। हेलो, दूध पी लो टीना। लड़की को जहर देने की ऐसी जल्दी भी क्या ओबेरॉय है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा, अगर ये बकवास है तो एक घूंट पी के दिखाओ। क्या हुआ, हिम्मत नहीं हो रही ना? हाँ? देख लिया अपने सौतेले बाप का असली रूप? बकवास बंद करो, मेरा आंखें मत दिखाओ। टीना बेटे, इसी ने जायदाद के लिए तुम्हारी मां का कत्ल कर दिया। और अब तुम्हारे 18 बरस पूरे होते ही तुम्हें मार देना चाहता है ये। खबरदार, मुझे हमेशा तुम पे शक था, हमेशा। वैसे सोच अच्छा ले तो तुम है कि जहर देके लड़की को मार देंगे और किसी को शक भी नहीं होगा, सब समझेंगे बादल के गम में लड़की ने खुदकुशी कर ली। वादे के मुताबिक? हाँ, वादे के मुताबिक टीना हमारे घर की बहू बनेगी और सारी जायदाद के मालिक हम होंगे, तुम नहीं। टीना बेटे, मेरे पीछे आओ, हिलना मत, जल्दी आओ, घबराओ नहीं।
मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हारे सीने पर गोली चलाऊंगा और वो भी दाहिनी तरफ, ताकि तुम आसानी से नहीं तड़प तड़प कर मरो। मेरा कैदुआ दबा लड़की की परवरिश करते हुए तुम हर पल उसकी मौत के बारे में सोचते रहे, आज उसी के प्यार ने तुम्हें जिंदगी दी है, लेकिन तुम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। जाओ अपनी मौत खुद चुनो।
अच्छी मौत मुझे नहीं मिल सकती थी टीना। नहीं डैडी, जिंदगी का आधार प्यार है, सिर्फ प्यार। बहुत देर से समझ में आया बादल बेटे, टीना को खुश डैडी।